कहाँ हैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब? क्या आप अपने पुलिसकर्मियों के करतूतों को देख रहे हैं? डीजीपी साहब, ये पुलिसकर्मी लगातार महकमे को बदनाम करने में जुटे हुए हैं और खाकी वर्दी पर जो दाग लग रहे हैं ये दाग अच्छे नहीं हैं, जो किसी डिटर्जेंट पाउडर से धुल जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वो हालात पैदा कर दिए हैं कि थाने के चौखट पर आने में भी महिलाएं डर रही हैं। डीजीपी साहब, अलीगढ़ में आपके पुलिसकर्मी ने एक और रेप की वारदात को अंजाम दिया है, विश्वास नहीं आता तो ये पूरी खबर सुन लीजिए। अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र के एक गांव निवासी धर्म सिंह पुत्र बादाम सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है। वो बुलंदशहर जिले के डिबाई थाना क्षेत्र में डायल 112 में तैनात है। वो कुछ दिन पहले अपने गांव आए थे। अन्य जिले में रहने वाले उसके एक रिश्तेदार की 16 वर्षीय बेटी भी आरोपी के गांव में ही रहने वाले अन्य रिश्तेदार परिवार में आई थी। शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे धर्म सिंह इस किशोरी को अपने घर ले जाने की बात कहकर बाइक में बैठाकर ले आया। रास्ते में एक खाली प्लॉट में उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने किशोरी के साथ मारपीट की, जिससे किशोरी घायल हो गई। किसी तरह सिपाही के चंगुल से छूटकर पहुंची किशोरी ने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद परिजन किशोरी को लेकर अतरौली थाने पहुंचे और आरोपी धर्म सिंह के विरुद्ध तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर रात में ही गांव में दबिश दी, लेकिन आरोपी सिपाही फरार हो गया। देर रात 11:36 पर गणेशपुर डिबाई मार्ग पर पुलिस ने धर्म सिंह को पकड़ लिया। पीड़ित किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। आरोपी सिपाही को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। कासगंज से थाना अतरौली के गांव में आए हुए परिवार की 16 वर्षीय लड़की द्वारा अपने पिता के फूफा पर आरोप लगाया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल FIR पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लगुआ मार गया है। यह आपराधिक तो मुठभेड़ और बुलडोजर का सामना कर रहे हैं, मगर पुलिस कर्मी कह रहे हैं कि अपराध कम नहीं होने देंगे, चाहे हमको अपराधी बनना पड़े। ऐसे पीड़ित जाएं तो जाएं कहां, जब रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।